नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज आप लोग के सामने एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ फ्रेंड्स, और बिल्कुल इजी वे में ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो रहेगा। समर मेकअप ट्यूटोरियल बिल्कुल इजी वे में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप लोग मेरे लिए न्यू हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। एक छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ कि इस गर्मियों के मौसम में आप अपने स्किन को भी केयर कर सकते हो, और बहुत इजी वे में अपना मेकअप आप कैसे कर सकते हो, बहुत इजी वे में ये मेकअप है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और देखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो ये मैं शुरू कर रही हूँ मेकअप करना। और पहले आप अपना हेयर को अच्छे से ये कर ले, बांध ले। और आप देख सकते हो आइस ट्यूब है, ये आइस ट्यूब मैंने लिया है ठंडे पानी का। इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके मैं इसको आइस बना लेती हूँ स्किन पे रब करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना फ्रेंड्स, तो आप पे अगर डायरेक्टली आइस अपने स्किन पे रब नहीं कर सकते हो, तो उस पर एक कॉटन रुमाल ले लीजिए। रुमाल के सहारे आप आइस को अपने स्किन पे रब कर सकते हो। अच्छे से स्किन को आप पे, इसमें रोज़ वाटर ऐड है तो बहुत अच्छे से आपका स्किन बहुत तरोताज़ा हो जाएगा। आई थिंक 5 मिनट मैंने अपने स्किन पे रब किया। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोनर है, बायोटिक का ये टोनर है, और ये मैं रोज़ वाटर विथ टोनर है। तो मैं रोज़ वाटर विथ टोनर यूज करूँगी, बायोटिक का भी नहीं यूज करूँगी। ये टोनिंग करेगा मेरे स्किन को, और अभी देख सकते हो कितना स्किन तरोताज़ा महसूस हो रहा है। तो समर में जब भी मेकअप करें, उससे पहले अपने स्किन को एक बार ज़रूर आइस ट्यूब से रब करें। और आप देख सकते हो ये प्राइमर है फ्रेंड्स, ये लैक्मे का प्राइमर है। तो प्राइमर फर्स्ट स्टेप होता है यूज करने का स्किन पे, और प्राइमर है ना मेकअप को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई मेकअप से आपका स्किन डैमेज होता है ना, तो वो रक्षा सुरक्षा कवच करता है प्राइमर। तो फर्स्ट होता है प्राइमर। प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए। मेकअप से पहले आपको प्राइमर यूज करना है। मैं एलोवेरा का, लैक्मे का प्राइमर यूज की हूँ। और ये देख सकते हो रिकॉल का है डे क्रीम, रिकॉल का डे क्रीम मैं यूज कर रही हूँ। ये क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है रिकॉल का, और बहुत ही अच्छा है। इससे बिल्कुल आपको स्किन को तरोताज़ा महसूस करवाता है समर में। तो मैंने ये डे क्रीम लगाया। आप जो भी लगाते हो क्रीम आप लगा सकते हो। मैं ब्रश का अप्लाई बहुत कम करूँगी फ्रेंड्स इस मेकअप ट्यूटोरियल में। मैं ब्रश बिल्कुल अवॉइड करूँगी थोड़ा सा। अब देख सकते हो अभी आई मेकअप मैं करूँगी। जल्दबाजी में ही आपको मेकअप करना है तो फटाफट करना है। तो आप देख सकते हो कंसीलर है, ये कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आई मेकअप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हल्का सा कंसीलर मैंने लगाया, और स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाना है। आपका स्किन डार्क है या ज़्यादा वाइट है, उस हिसाब से आप, उस टोन से आप ले सकते हो कंसीलर। अब मैं आई मेकअप के लिए अब मैं ये आई शेडो लगा रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप आई शेडो लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और आई शेडो भी लगाने के बाद आप हल्का सा उस पर पाउडर रब करें आई शेडो पर, ताकि वो पसीना से चिपके ना, ना ही फैले पूरा। और ब्रश से देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा मैंने मिक्सअप कर दिया है बड़े वाले ब्रश से। अब फ्रेंड्स, ये मस्करा है, तो मस्करा मैं पहले लगाऊंगी, उसके बाद आईलाइनर लगाऊंगी। पहले मैं मस्करा लगा लेती हूँ। ये वाटरप्रूफ मस्करा है फ्रेंड्स, समर में वाटरप्रूफ ही लगाना चाहिए हर चीज़। और उसके बाद मैं आईलाइनर लगाती हूँ। उसके बाद ये काजल, लैक्मे का काजल है, वो मैं लगा रही हूँ। समर में थोड़ा लाइट मेकअप करने से ही अच्छा रहता है, मगर कहीं पार्टी वेयर में जाना है तो मेकअप करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, ज़्यादा कंसीलर ये सब यूज़ नहीं करना है स्किन पे। अब देख सकते हो ये फाउंडेशन है, तो ये फाउंडेशन ओरिफ्रेम का फाउंडेशन है, पीच मिल्क है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, और इसमें लैक्मे फाउंडेशन है। तो लैक्मे और पीच मिल्क को मैंने ऐड किया है, दोनों को मिक्सअप करके मैं लगा रही हूँ। पीच मिल्क ओरिफ्रेम का है, उसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ, और लैक्मे का फाउंडेशन है, उसको भी मिक्स कर रही हूँ। अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन लेना है। आपका स्किन किस टाइप से है, उसी के अनुसार आपको या तो फेस पाउडर या तो फाउंडेशन स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए।
तो अब देख सकते हो मैं उंगली के सहारा से लगा रही हूँ, और फिर जो भी एक्स्ट्रा है फाउंडेशन का वो मैं ब्रश से अच्छा से उसको टचअप कर रही हूँ। नेक पर भी फाउंडेशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेकअप आप फेस पे कर रहे हो वो नेक पर भी ज़रूरी है, नहीं तो दोनों का डिसकलर हो जाएगा, नेक और फेस। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मैबलिन का फेस वॉश, सॉरी फेस पैक है, फेस पाउडर है, कॉम्पैक्ट है मैबलिन का। अब ये ब्रशर की बारी आई फ्रेंड्स, तो अब ब्रशर लगाइए। तो ब्रशर भी लगाने का अलग ही तरीका है, हल्का सा लेके उसको दो उंगली के सहारा से लीजिए। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, ताकि इधर उधर ना लग पाए। बहुत का होता है ना कि कहीं कहीं लग जाता है फ्रेंड्स, पता नहीं रहता है कि किस टाइप से कहाँ पे लगाना है। तो एक्स्ट्रा जो भी हो उसको आप निकाल लीजिए, और टू उंगली ऐसे रखिए नोच के पास, और उसके सहारे से आप ब्रशर लगाओ तो ज़्यादा अच्छा परफेक्ट रहता है, इधर उधर नहीं जाता है। मतलब एक चीक पे दूसरा लगता है, एक चीक पे दूसरा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर आईब्रो को सेटिंग करना है, आईब्रो को अपने अनुसार आप सेट कर सकते हो। अब आई फ्रेंड्स हमारी लिपस्टिक की बारी। तो लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा आपको लिप लाइनर लगाना है, लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है। लिप बाम हमारा लिप को केयर करता है। अब उसके बाद आप लिप पेंसिल लगाइए, पहले पेंसिल से अपने लिप को ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद ही आप लिपस्टिक लगाइए। लिपस्टिक लगाने का भी 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है लिप बाम लगाना, सेकेंड स्टेप होता है लाइनिंग करना, लिप लाइनिंग पेंसिल से लाइनिंग आपको करना है, थर्ड स्टेप लिपस्टिक का होता है फ्रेंड्स। तो हल्का सा लिपस्टिक आप समर में लगा रहे हो तो पाउडर ले लीजिए, या आप कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हो तो कॉम्पैक्ट अपने लिप पर लगाए, ताकि वो ज़्यादा ना हो। ऐसे मैट लिपस्टिक तो कभी भी वो नहीं होती है। मैं मैबलिन का यूज की हूँ लिपस्टिक। लास्ट स्टेप फ्रेंड्स ये मेरा फिक्सर है, फिक्सर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समर में। ओके फ्रेंड्स, मेकअप किया है और ये बिल्कुल इजी वे में मेकअप हो जाएगा। अगर आपको पार्टी वेयर में या कहीं भी जाना है तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप मेकअप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। और ये मेरा समर का मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको कोशिश किया सिखाने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।